ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी मंत्र की बीमारी, इसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। उस अभी मेरे पास में एक औरत आई थी, उसको 2 साल का बच्चा है। बार बार उसके दिमाग में विचार आता है कि मैं मेरे बच्चे का गला घोट देंगी। अब देखो, उसको ये पता है कि सच्ची असल में ये अपने बच्चे का गला घोटने वाली नहीं है, उसको मालूम है। उसको लगता है कि विचार इरेशनल है, इलॉजिकल है, ऐसा होने वाला नहीं है। उसने एक बार भी उसके गले को हाथ लगाया नहीं है घुटने के लिए या दबाने के लिए, ये उसको मालूम है, ये करने वाली नहीं है भी मालूम है। और वो बोलते हैं कि मेरे दिमाग में इतने बार 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 विचार आते हैं कि अभी मैं ये सोच रही हूँ कि अभी मेरे लड़के को और कहीं बाहर जाकर रख दू, क्योंकि मुझे डर लगता है कि मैं सच्ची कर लूंगी। अच्छा, उसको पूछा सच्ची कर लेंगे? नहीं नहीं मैं करूंगी नहीं, मगर विचार आता। उनके मन में कुछ लोग मेरे पास में आते हैं, उनको विचार आता है बार 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 कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, मन में भर बस वो विचार। तो ये घूमते जाएंगे लोगों के, डॉक्टरों के पास में जाते जाएंगे, बार 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 ईसीजी निकालेंगे, उनको मालूम है, और उसने मुझे विचार ही आता है। कुछ लोगों को विचार आ गया कि मेरे को एड्स हो जाएगा। तो हुआ क्या? नहीं, वो बार 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 इतने बार वो ब्लड टेस्ट करेंगे, उनको ये विचार है कि मुझे एड्स हो जाएगा, वो एचआईवी की टेस्टिंग बार बार करेंगे। तो ये लोग वैसे काम करने में फिर असफल हो जाते हैं। ये क्रॉनिक बीमारी होती है, क्योंकि क्या होता है कि जैसा इनको किसी ने बताया कि भाई साइकियाट्रिस्ट के पास आप जाओ, तो ये बोलते नहीं मैं क्या पागल हो गया, मुझे वहां क्यों भेज रहे हो? तो ये मनोचिकित्सक के पास में आएंगे नहीं, मेरे पास में आएंगे नहीं, वो और कहीं दवा ले लेंगे, और दवा लेके फिर वो कुछ फायदा तो होता ही नहीं है, और फिर सफर होते जाएंगे। जब तक वो मेरे पास में व्यक्ति आता है, तब तक साल, 2 साल, 5-5 साल निकल जाते हैं, और फिर थक के फिर मेरे पास में आते हैं। क्रॉनिक हो जाता है, पुरानी बीमारी हो जाती है, फिर मेरे पास में आते हैं। अब मेरे पास में वो व्यक्ति आने के बाद में मैं उनको पूछता हूँ, सच्चे आपको अच्छा होने का है? या सच्चे होने का है? तो फिर मैं जो बोलूंगा वो करना पड़ेगा। इसमें होता क्या है कि दो तरह का इलाज है। एक है दवाइयों का इलाज, दवाई दे दो, और दूसरा है मानसोपचार या बर्तन उपचार। अब दवाई का कौन सा? ऐसा भी रिसर्च जो है, तो रिसर्च ये बोलता है कि ब्रेन में अपने भेजे में मस्तिष्क में सेरोटोनिन नाम का जो द्रव्य है, केमिकल जो है, उसकी मात्रा कम हो जाने की वजह से ये बीमारी होती रहती है, ऐसा शास्त्र बोलता है। तो सेरोटोनिन बढ़ाने की दवाइयां हम देते हैं। कोई रिसर्च ऐसा है कि क्लोमिप्रेमिन जो है, मतलब ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट, तो नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन, ये लेवल्स कम हो जाने की वजह से ये होता है, तो इसलिए फिर हम क्लोमिप्रेमिन नाम की दवाई को देते हैं। उसका जो उसकी जो एंग्जाइटी है, रेस्टलेसनेस, क्योंकि वो विचार आते हैं, ये बहुत घबरा जाता है, हाथ कांपने लगते हैं, पसीना आता है, बेचैन हो जाती है, तो उसके लिए फिर हम दवा देते हैं। और दवाई देने के बाद में वो धीरे 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 अच्छा हो जाता। तो यदि बहुत ही रिसेंट बीमारी है, मतलब 2-4 महीने में व्यक्ति यदि मेरे पास में आ जाता है, दवाई से वो अच्छा हो जाता। मगर ये पुरानी बीमारी है, तो उसको दवाई के साथ साथ उसको मानसोपचार, साइकोथेरेपी, काउंसिलिंग, समूह उपचार, वर्तनों को उपचार, ये करना बहुत जरूरी है। इसमें हम सम्मोहन उपचार जब करते हैं, हिप्नोसिस, हिप्नोथेरेपी या हिप्नो काउंसिलिंग, तो उसमें मैं क्या करता हूँ कि उसको पूरा सम्मोहित करता हूँ, सम्मोहन की प्रक्रिया करता हूँ। सम्मोहित करने के बाद में फिर उसको मैं बोलता हूँ कि आप अभी विजुअलाइज करो, कल्पना करो कि आप घर में बैठे हो, आपके मन में बार 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 विचार आ रहे हैं, और वो विचार जो आ रहे हैं, वो आप विचार आने के बावजूद भी उसके ऊपर कोई भी कृति नहीं कर, आप एकदम रिलैक्स्ड, तो बहुत ही रिलैक्स, शांत है। तो ऐसी कल्पना करो कि आपको विचार आ रहा है और आप शांति से बैठे और आप कृति नहीं कर, विचार आ रहा है तो उसको आने दो। यूजुअली क्या होता है, लोग क्या बोलते, नहीं विचार निकाल डालो, निकाल डालने से विचार जाते नहीं। उसको बोलते कि ठीक है, विचार जो आ रहा है उसको ऐसा बाजू में रखो, कल्पना करो कि आप ऐसा उसको उठा के, एक्चुअली ऐसा कल्पना करो कि आप वो विचार को उठा के ऐसा बाजू में रख रहे, और अभी अपने काम के ऊपर फोकस करो, ये करो सम्मोहन की अवस्था में। और दूसरा है, बाजू में रखने के बाद में ऐसी कल्पना करो कि अभी मैं मेरा काम शांति से, रिलैक्स अवस्था में, आराम से, धीरे धीरे मेरा काम पूरा कर रहा हूं या कर रही हूं। तो ऐसा जब बार बार वो ऐसा करेंगे, तो फिर क्या होता है कि धीरे धीरे जब एक्चुअली वर्तमान में, एक्शन में, अपने जीवन में जब उसको विचार आता है, तो उसको बार बार हम जब ट्रेनिंग देते हैं तो रिलैक्स हो जाता है, उसमें वो रिलैक्स हो जाता है। एक्चुअली जीवन में उसको ऐसा हो, उसको बोलते कि प्रैक्टिस कर,
विचार आ गया, रिलैक्स हो गया, सेल्फ हिप्नोसिस को सम्मोहन कर, विचार आ गया तो रिलैक्स रिलैक्स, और उसके ऊपर कृति कर दी गई तो उसको सिखाते हैं। तो मेरे पास में मैं हफ्ते में एक बार या दो बार उसको वो व्यक्ति को बुलाता हूँ, और घर में भी फिर कम से कम दो से चार बार रोज ऐसी कृति करने, ऐसी प्रैक्टिस करने के लिए मैं उसको बोलता हूँ। इसके अलावा हम बोलते हैं कि भाई हाथ में बैंड रखू, बैंड रबर बैंड, जिसे ऐसा खींचा और उसको छोड़ गया तो रब से एकदम आपको मार लगेगी, रबर में बहुत ज्यादा मार भी लगती नहीं है। जैसे विचार आ गया तैसा खींचना और उसको छोड़ देना, तो छोड़ देना मतलब एक एवर्शन जैसा उपचार होता है कि भी विचार काट डालना है, निकाल देना है, तो ऐसा भी विचार हो जाता है वो, तो वो भी वर्तनुक उपचार है। जैसे अलग अलग काफी सारे उसमें उपचार है, वो जब उपचार करते हैं तो इससे पूरा फायदा हो सकता है और वो अच्छा हो सकता है। इसको यदि हम इलाज नहीं करते हैं तो बहुत क्रॉनिक बीमारी हो जाती है। फिर कुछ कुछ लोग अभी मेरे पास में फिर मालूम होता है कि उसने खुदकुशी कर ली, क्योंकि उसको लगता है कि अभी मेरा कोई वाली नहीं है, बहुत तकलीफ हो रही है और लोगों को भी तकलीफ होती है। तो ये सब आगे इतनी बीमारी बढ़ने के पहले ही यदि घर के लोग उनको लाते हैं इलाज करने के लिए तो इसमें 100% रिकवरी होती है। तो ऐसे ऐसी जो ये जो हमने आपको जानकारी दिया, ये जानकारी लोगों तक पहुंचाना है करके आप मेरे यूट्यूब को शेयर कर सकते हैं, मतलब उसको वो चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर मैं फेसबुक पे डाला हूँ तो फेसबुक के पेज को आप लाइक करो, या फिर मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिया है उसमें मुझे कॉल करो, या हमारी वेबसाइट है उसके ऊपर भी जानकारी दी है तो उसको भी आप विजिट कर सकते हैं। आपको कुछ सवाल होगा तो आप मुझे मेल भेज सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और आप ये जैसा हमारा एक मिशन है कि मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, सबको मानसिक स्वास्थ्य मिलना चाहिए, इसमें आप हमारे पार्टनर बन सकते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम शेयर करेंगे, उनको जानकारी देंगे। तो आज जो हमारे देश में जो ऐसे लोग पीड़ित है ये बीमारी से, वो सब अच्छे होकर उनका जीवन अच्छा जी सकेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू।